मुझे राहुल गांधी के बयान पर भी हंसी आती है कि उन्होंने मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाने की बात की है। जैसे और वो ये भी कहते हैं कि जुमलों की सरकार है। भाई जुमलों की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार है। गरीबों के उत्थान के लिए काम करे, उनके उन्नयन के लिए काम करे, उनके विकास, उन समाज में कैसे बराबरी पार कर आ जाए, इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार काम करे। और ये जो सरकार चलाए, ये जो सरकार चलाए 70 सालों तक देश पे चलाए, वो इमलाबाजों की सरकार चलाए। अगर इतना ही वो इमलाबाज थे, मनमोहन सिंह इमला पढ़ते, राजीव गांधी खुद इमला, सोनिया गांधी खुद इमला पढ़ती। अगर पन्ना उड़ जाए, आधी आ जाए, तो सोनिया गांधी कुछ पढ़ नहीं सकती। ये लोग हमको सिखाने, मोदी जी को सिखाएंगे ऐसा नहीं। तो आप क्या इन तीन ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो इमलाबाज हैं, इमलाबाज ये लोग इमला पढ़ते। योगी जी को अच्छा बताया गया कि उनको प्रधानमंत्री बनाते। देखिए हमारे दोनों नेता हमारी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, इसमें उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये इमलाबाज है, ये भी आप समझिए। ये लोग इमला मोदी मनमोहन इमला पढ़े, सोनिया गांधी भी इमला पढ़ती है। अगर आधी आ जाए किसी सभा में और वो कागज का पन्ना उड़ जाए तो सोनिया गांधी कुछ बोल नहीं सकती। तो क्या इमलो से सरकार बनती है? नहीं, इमलो से सरकार नहीं बनती। हम तो बता दिए आपको पहले ही, तीन राज्यों में जो